कांग्रेस सांसद और प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह और बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर लगातार मंडी जिला के दौरे पर हैं और अलग अलग इलाकों के राजनीतिक दौरे हो रहे हैं, लिहाजा ये मानना गलत नहीं होगा कि तैयारी 2024 के लोकसभा चुनाव की शुरू हो गई है। इसी चुनावी तैयारी के बीच नेताओं के बयानबाजी और वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। बीते दिनों प्रतिभा सिंह के जोगिंदरनगर में दिए एक बयान को स्थानीय विधायक प्रकाश राणा ने झूठा बताया है। प्रकाश राणा का क्या कहना है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुनिए प्रतिभा सिंह ने क्या कहा था। लोग बोलते हैं हिमाचल प्रदेश जोगिंदर नगर के क्षेत्र का, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती, परंतु ये सुनने में आता है, कानों में आवाज पड़ती है कि जोगिंदर नगर के लोग बिक गए, पैसे से खरीद लिए, ऐसा सुनने को मिलता है। ये बड़ा भारी कलंक है किसी के माथे पर अगर लग जाए। मेरी माताएं बहनें यहाँ पर बैठी हैं, मुझे आपसे भी निवेदन करना है, आपकी भी बहु बेटियां हैं, आपके घर में भी संतान है, हमें, हम ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, खास करके हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर देवी देवताओं का वास है, हम लोग जब देवी देवताओं की पूजा करते हैं और ईश्वर से भी ये पुकार करते हैं कि हम सच्चे रास्ते पे चलना चाहते हैं, ईमानदारी से काम करना चाहते हैं, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो ईमानदारी से काम करता है उसकी कदर होनी चाहिए, उसकी कदर होनी चाहिए। अब जो हुआ सो हुआ, पर मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि आने वाले वक्त में आप ऐसे विधायक को यहाँ से चुने जो ईमानदारी से आपका काम करे। प्रतिभा सिंह के इसी बयान को जोगिंदर नगर के विधायक प्रकाश राणा झूठ बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ऐसा किसी ने नहीं कहा था, लेकिन ये गलत है कि जिस जनता ने उन्हें सांसद की कुर्सी तक पहुंचाया, किसी और इल्जाम लगाते हुए वो उस जनता को बिकाऊ कह गई, जो सही नहीं है। खैर, क्या कहना है प्रकाश राणा का सुनिए। पिछले किसी हफ्ते में, दो चार दिन पहले की बात है, अगर एक मुझे खुशी है एमपी हमारे इसमें आते हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है, और हमारे मंडी जिला से एमपी बने सदस्य है। लेकिन जो उनके मैंने बयान देखे, जो आज पूरे इसमें गूंज रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, कि भाई उस तरह का तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि जनता को इस तरह के शब्दों का यूज करना, कि जोगिंदर की जनता भी गाँव है, जोगिंदर को एक कलंक लगा है, यानी कलंक शब्द जो यूज करना, तो इसको तो कोई अपने घर में भी नहीं यूज करता है, अपने परिवार में भी शब्द को यूज नहीं करता है। जिन लोगों ने, जिस जनता ने, और ऐसा नहीं है 34-35 हजार वोट मुझे पड़े जो नगर के, यानी वो सारे बिकाऊ हो गए। बिकाऊ शब्द किसको बोलते हैं? बिक गए, बिकाऊ क्या होता है? अब बिकाऊ शब्द एक ऐसा है, उसका मैं अभी इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि मैं उसका एग्जाम्पल दूं, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो बड़ी गहरी बात जाएगी। ये बकाओ हमारी बहनें वहां बैठी है, सारी बैठी है, इस तरह का अगर एमपी इन शब्दों का, ऐसे शब्दों के अगर यूज करे, एक चुना हुआ सदस्य अगर इस तरह का अगर बात करेंगे, तो जनता क्या, जनता तो दुश्मन होगा, वो भी उसको नहीं सुन सकता है इन शब्दों को। बिकाओ आप किसी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार नहीं बन पाई, हम थोड़े से मतों से आ रहे, ज्यादा नहीं, थोड़े, जो 1% से भी कम है, हमारी सरकार नहीं बन पाई। चलो, जनता का आदेश उसको हम मानते हैं, हम इस बात को नहीं करना चाहते कि जनता ने हमारा अच्छा नहीं किया, नहीं किया, जो किया जनता का, जो जनादेश हमें तो हर दीवार में लिख दिया है, हर महिला को 18 से 60 तक 1500 रुपए मिलेंगे। आप तो बात तो आप कर नहीं रही है, आपने बोला 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, वो आप तो बात कर नहीं रहे भाई। 1500 महिलाओं को नाम का आप जो जनता को आप बेवकूफ बना रहे हैं, धोखाबाजी आपने की, जनता को धोखा दिया, बहनों को हमारी को धोखा दिया, झूठ बोल के आप लोगों ने वोट ले लिए। आपने अगर देना है 1500 किसको बोलते, जिनको ऑलरेडी लगा है, जिनको ऑलरेडी पेंशन मिलती है, जिनको ऑलरेडी 12-13-1360 दे, उनको अगर 150-200-250 देकर आप सबको बेको आप देना, तो आप हमारी बेटियों को 18 साल से शुरू करो ना, आप क्यों नहीं दे रहे हैं? और क्या लिखा है कि 31 जनवरी को सबके बैंकों में पैसा आएगा, आ गया, वो तो बात ही नहीं है।
भी वो बात करो, आप वो तो बताओ हमें भाई, इसको बताओ जो आपने वादा किया था, मिला बोला 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। बिजली भाई आपके भी बिल बाल आ रहे हैं, बिजली तो उल्टी महंगी हो गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोगिंदर नगर से लकेश शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।